फाइनली मैं 18 साल की हो गई। लेट्स सी मुझे कितना टाइम मिलता है जीने के लिए। सिर्फ 11 मिनट मम्मी, मुझे सिर्फ 11 मिनट मिले हैं जीने के लिए, प्लीज मेरी हेल्प करो। बेटे मेरी लाइफ की एक हफ्ते ले लो और जाओ जल्दी से अपने लिए जॉब ढूंढो और अपने लिए टाइम खरीद लो। थैंक यू मम्मी। हेलो आलिया, तुम्हें कितनी लाइफ मिली है जीने के लिए? यार तुम बिलीव नहीं करोगी, मुझे 100 साल मिले हैं जीने के लिए और मैं तो आराम से रहूंगी, मुझे तो जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें कितने मिले हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे इतनी कम लाइफ और सबको इतनी ज्यादा। यार तुम्हें पता है राहुल 100 साल से जी रहा और किसी को नहीं पता वो कितने साल और जिएगा। ही सो लकी, उसने पूरी जिंदगी कोई जॉब ही नहीं की। वाओ, इसने तो मेरा काम आसान कर दिया। राहुल तुमसे तो मिलना पड़ेगा, तुम्हें मारने के बाद ही राहुल तुम्हारी लाइफ मेरे पास आ सकती है। 100 साल तुमने बहुत जी लिए, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। वाओ, 1,00,000 साल मिल गए। 200 साल बाद मैंने 200 साल जी लिए, अब मुझे नहीं जीना, ना मेरी कोई फैमिली मेंबर जिंदा है, मैं 1,000,000 साल तक कैसे जीऊंगी। चलो देखते हैं कि आज मुझे कौन सी सुपर पावर मिलती है। मुझसे कोई झूठ बोलेगा तो मुझे 1,000 रुपए मिलेंगे। दीदी आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसे तुम मुझे अपना लैपटॉप दे सकते हो, मुझे कुछ काम है। वो एक्चुअली दीदी मेरा लैपटॉप खराब है इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा बेटा सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आज मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है तो आते वक्त लेट हो जाएगा, इसलिए तुम डिनर बना देना, ठीक है? कोई बात नहीं मम्मी, मैं बना दूंगी। हे गाइस, कल मेरा बर्थडे, तुम लोग आ रहे हो ना? वो यार कल मैं ना कहीं जा रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। अरे हाँ कल तो तेरा बर्थडे है ना, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो मुझे उनका ख्याल रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। तुमने मुझसे झूठ बोला। डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन? चलो फाइनली देखते हैं मुझे किस कलर का बर्थमार्क मिला है। ओह माय गॉड, ब्लैक। मतलब मेरी फैमिली मुझे मार देगी। वाओ दीदी, आपको भी ब्लू मार्क मिला, मुझे भी ब्लू मार्क मिला। वैसे भी हमारी फैमिली में स्टार्टिंग से सबको ब्लू मार्क ही मिलता आ रहा है। वैसे अगर किसी फैमिली मेंबर का ब्लैक बर्थमार्क आ जाता है तो क्या सच में इसकी फैमिली मेंबर्स उसे मार देते हैं? हाँ दीदी, ये तो रिचुअल है, बट आप क्यों पूछ रही हैं? अरे नहीं, वो मेरी फ्रेंड है ना, उसके साथ हुआ है। ओ फाइनली मैं 18 साल की हो गई, देखते हैं मुझे कितना टाइम मिलता है जीने के लिए। सिर्फ 1 घंटा? हाय सैम, क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दे सकते हो? मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उसे तुम टाइम खरीद लेना, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे जूते साफ करने होंगे। कोई बात नहीं, मैं भी करके लाती हूँ। हो गया, ये लो पैसे। थैंक यू। हाय, मुझे टाइम चाहिए था। इतने कम पैसों में आजकल टाइम कौन खरीदता है, और 1,000 में तो मैं सिर्फ तुम्हें 3 दिन ही दे सकती हूँ, सॉरी। 3 दिन? कोई बात नहीं, आप दे दो। ओए सुनो, मैंने सुना है तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है जीने के लिए, मैं तुम्हें अपना टाइम देना चाहती हूँ क्योंकि अब मुझे जीने का बिल्कुल मन नहीं है, क्या तुम लेना पसंद करोगी? सॉरी, लेकिन मैं किसी के मरने का जिम्मेदार नहीं होना चाहती। फिर भी ले लो। देखते हैं मुझे कौन सा क्लास मिला है। लोअर क्लास? सॉरी, देख के नहीं चल सकती लोअर क्लास, मेरा सैंडल खराब कर दिया, मैं भी क्लीन कर देती हूँ। जाओ यहाँ से, और ये सैंडल मेरे किसी काम के नहीं। सॉरी मैम, आज मैं लेट हो गई। वो सब छोड़ो, ये मेरी सैंडल पकड़ो और यहाँ से भागो, पुलिस आ रही है। खड़ी क्या हो, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे यार, ये तो अपर क्लास की हील्स आ गई मेरे पास। वाह, हाय मैम, तुम्हें क्या चाहिए? योर जॉब। देखते हैं आज मुझे श्राप मिलता है या फिर वरदान मिलता है। मैं किसी से झूठ नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन 10 बातों में तो मैं सिर्फ एक ही बात सच बोलती हूँ। अरे मैं तो गई काम से। स्वरा, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी? सच में तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब थी क्या?
नो मैम, मैं इसलिए नहीं आई थी क्योंकि आप पढ़ाती लिखाती तो है नहीं, तो मैंने सोचा छुट्टी क्यों ना मार लें। कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना, मुझे उनसे बात करनी है। हाँ हाँ, वो घर ही पे है, मैं उन्हें जरूर बुलाऊंगी। ये क्या बोल दिया? बेटा आज भी तुम काफी लेट आए स्कूल से, क्या आज भी तुम्हारी मैम छुट्टी होने के बाद भी पढ़ा रही थी? अरे नहीं नहीं मम्मी, वो हमारा पड़ोस वाला राहुल है ना, आज उसके साथ मेरा डेट था और कल मैं शिवम के साथ डेट फाइनल कर रही हूँ। सो स्वीट, ये क्या कर दिया? दीदी हम लोग स्कूल की तरफ से पिकनिक जा रहे हैं, मैं नहा धो के तैयार हो गया, मैं कैसा लग रहा हूँ? नहा धोकर क्या करेगा, शकल तो तेरी बंदर जैसी है ना। देखते हैं मेरे सोलमेट ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। सिर्फ 1,000? कोई बात नहीं। हाय, मेरे सोलमेट ने मुझे 10,000 रुपए दिए, तुम्हारे कितने दिए हैं? 1,000 रुपए। लगता है तुम्हारे सोलमेट गरीब है। वैसे भी मुझे पैसे मैटर नहीं करते। चलो देखते हैं आज मेरे सोलमेट ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। अच्छा ठीक है, मैं ट्रांसफर करती हूँ। मेरे सोलमेट ने मुझे आईफोन 13 गिफ्ट किया, तुम्हारे सोलमेट ने तुम्हें कुछ दिया? उसने मुझे नहीं, मैंने उसे 5,000 रुपए दिए। लाइक व्हाट? लगता है तुम्हारा सोलमेट गरीब के साथ साथ लोन में भी डूबा हुआ है। देखते हैं आज मेरे सोलमेट ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। 10 करोड़। यार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, किसी के सोलमेट ने 10 करोड़ रुपए चोरी किए थे और वो किसी को अपने सारे पैसे दे रहा है, अब क्या होगा? यार तुम्हें कोई आइडिया है वो किसका सोलमेट है? नहीं यार, पुलिस उसे ढूंढ रही है। आपको हमारी सुपर पावर वाली वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके बताइए और फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पे।